मेरा नाम गुलाम गौस जिलानी है। मैं साबिका कॉर्पोरेटर गुलाम समदानी साहब जो रुकने आमिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे उनका पोता हूँ। मैं मन्नान का बड़ा भाई हूँ। मेरे घर के दो घर बाजू मुमताज अहमद खान MLA रहते जो 25 साल से आवाम को पागल बना रहे। इससे पहले जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े के मुनसब में आके अभी मैं घर के नीचे बैठा हुआ था, मेरे को आके अननेसेसरी पछाड़ा मारे, मार के ये बोले कि तू मेरे को सलाम नहीं कर रहा। मैं उनको कई को करूँ सलाम, और उनको मैं देखा नहीं था। सलाम तो अल्लाह को पहुँचता ये भी मालूम, मैं उनको देखा नहीं था। मेरी माँ को लग देते, मेरे को वो कर देते, मेरे को ये कर देते, पैर पे पैर रख के चीर देते, उनके भतीजे बोल रहे कि गोलियां मार देते। भाई मर्द हूँ, आके गोलियां मार सकते आप, आपको जो करना है कर सकते। इससे पहले ये कंप्लेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया था, असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे ही मैं खामोश बैठा हुआ था कि कुछ नहीं करना। असद साहब बोले थे कि सब्र से काम लेना मियाँ, कुछ नहीं करना। मैं ये चीज़ पे खामोश था। अननेसेसरी उन्हों अब आए मेरी माँ के सामने बैठ के, इससे पहले 45 मिनट खदमों में बैठ के रोया इम्तियाज और उसका भाई मंसूर। आपको इंशाल्लाह वो वायरल भी करूँगा वीडियो, और आपको वो आपको पूरी चीज़ की ऑडियो भी मिलेगी। और ये जो भी चल रहा ना साहब, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। उन्हों सीनियर MLA होंगे अपने घर में, और उन्हों पब्लिक के लिए MLA बने, उनके घर की जाती मफाद के लिए नहीं बने हुए। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है। असद साहब आप इसको नोट लीजिए, अगर आपकी भी ये नहीं सुन रहे तो उखाड़ के फेंकिए। अब तक इन्हों जितने का भी इनकी जो इज्जत बाजार में गई, इनका खुद का बेटा उछाला, जो इन्हों हराम खाने से इन्हों फीड करे हुए है ना, जो हराम उनको उन बच्चों को खिला के फीड करे हुए है, ये उससे पैदा हुई सो नस्ल है। तो ये आपका काम है साहब, आपको जब हम लोग का रहबर बना के चलते तो आपका काम है इन लोग को देखना। ये दो घर रहने बाजू आजू बाजू आने जाने वालों को तकलीफा देना ये बात गलत है। उनको सलाम करना, कोई उन्हों खुदा नहीं है और ना उनको मैं कुछ समझता हूँ। मेरे लिए उन्हों पैर की जूती है। ये करने की असल वजह क्या? प्रीवियस असल वजह कुछ भी नहीं है। मन्नान की जो वायरल हुई थी रिकॉर्डिंग, जिसमें इम्तियाज उन जो गालियोलॉजी एक्सपर्ट जो थे ना, उनके बेटे, उसके लिए करे उन्हों। जो वायरल हुई थी उनकी बदनामी जो हुई ना, उससे करे। अब जो आदमी हराम का खाएगा उन्हें ऐसी करेगा, वो तो ये वही चीज था, वो आपके भाई के साथ में था, लेकिन आपके ऊपर दुश्मनी निकालने का मेरे ऊपर इसीलिए करे। मैं ऐसे साहब को इससे पहले बोला था, देखो भाई एक चीज के MP रहते, जब सदर है पार्टी का तो मेरा काम है उनके सामने ये चीज रखना। मैं उनके सामने ये चीज रखा था, मेरे को जो चीज उन्होंने तयकुन दिए थे मैं वो चीज करा। सबर रखो बोले सबर रखा, लेकिन अब ये चीज अनटॉलरेबल है। ये कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चाहे इसको आप लोग नेगेटिव वे में लो या पॉजिटिव वे में लो। तो ये झगड़ा कहाँ पर हुआ? ये चार मीनार बस स्टॉप में, मेरे घर के नीचे चार मीनार बस स्टॉप में। उन्होंने उनके घर के बाहर उन्होंने आए, मैं बैठा हुआ था वहां पर, उन्होंने गाड़ी रख के आके पैदल आए वापस, दो गनमैनों के साथ में आए। आके करे उन्होंने 25 साल से MLA हूँ 50 बार ये चीज बोले उन्होंने। तो मैं बोला तो 25 साल से MLA तो मैं क्या सर पे उठा के फिरूं? अभी आप जो कुछ भी एक्शन होने वाला नहीं है, मेरे को ये भी मालूम है। उनका दबदबा क्या है वो भी मेरे को मालूम है, ठीक है। उनको अल्लाह ताला जहाँ तक कर सकता करने दो, मैं जहाँ तक हो सकता कर दू। उन्होंने ये चीज बोले हैं कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते, और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते। इंशाल्लाह रेडी हूँ, सीना दूंगा, सीने पे मारना। कौन से बेटे बोले? नाम बोलता हूँ, सब नाम, सबका नाम आता। कौन से बेटे बोले, कौन से भतीजे बोले, अगर मर्द मुजाहिद है ना, आ जाना सीने पे मारना गोली, कहीं दूसरी जगह नहीं मारना, और बद पीछे से उंगलियां नहीं करना, सीधा सामने आके करना जो भी करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।